नमस्कार। कभी-कभी हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में गलती से स्केलिंग गलत हो जाती है। जैसे 500% अगर हमने कर दिया तो वापस करने में बहुत दिक्कत आती है। इसका समाधान हम देखते हैं, एक बार इसको करते हैं 500% में। इस तरह से यहाँ पर 500 500 लिख दिया और इंटर करेंगे। उसके बाद हम जब इसे रिस्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा पीसी या लैपटॉप का जो स्केलिंग है वो 500% हो जाता है, जिसमें हम बहुत सारे बटन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। विंडो रीस्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, विंडो रीस्टार्ट होने के बाद कुछ इस प्रकार से बड़े आइकन बन करके लैपटॉप में या पीसी में दिखाई देते हैं, और हम इसे अब फिर से कैसे सही करेंगे। तो सबसे पहले हमने विंडो और आर बटन को प्रेस करना है एक साथ। विंडो ओपन होगी, उसमें हमने एमएस डैश सेटिंग कॉलन डिस्प्ले इसे टाइप करना है और इसके बाद एंटर बटन दबाना है और एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो के ओपन होने के बाद टैब बटन को दो बार प्रेस करना है और इंटर बटन दबा देना है। हम लॉग आउट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और जब हम फिर से लॉग इन होंगे तो हमारी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत आसान है, आप भी करके देखें। देखिए, लॉग इन हो रहा है। इसमें किसी माउस की ज़रूरत नहीं है, पर बहुत ही आसानी से काम हो गया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये आपके लिए लाभदायक होगा।